अपनी स्पष्टवादिता के लिए प्रख्यात राष्ट्रीय कवि एवं भाजपा के वरिष्ठ नेता सत्यनारायण सत्तन ने अयोध्या में बनने जा रहे राम मंदिर पर अपनी प्रतिक्रियाएं देते हुए कहा है कि अयोध्या में राम मंदिर बनने के सुयश के असली हकदार लाल कृष्ण आडवाणी है। उन्होंने कहा कि भगवान राम की सभी ने प्रशंसा की, लेकिन एक धोबी ऐसा भी था जिसने अकड़ कर कहा कि काहे के राम। ठीक उसी प्रकार से बहुत सारे लोग हैं जिनका ये कहना कि ये काम नरेंद्र मोदी ने किया। राम जी की सभी ने प्रशंसा की, पर एक धोबी तो था ही जो अकड़ करके बोले ही सही कि नहीं नहीं काहे के राम। तो ठीक उसी तरीके से बहुत सारे लोग हैं जिनको तो ये कहना ही है कि ये नहीं करा। अब उन्हें पूजन का सौभाग्य मिल रहा है और हमारी सनातन परंपरा के अनुसार जिसे पूजन का अधिकार मिलता है वो निसंदेह पुण्य आत्मा होती है। उनके सत्कर्मों का परिणाम है कि वो राम मंदिर की स्थापना करेंगे तो वहीं चिरकाल तक जीवित रहेंगे, अमरत्व को प्राप्त करेंगे और राम भगवान की सेवा करने वालों को ये मिल ही जाता है। इसी सुयश को लेकर बहुत सारे लोगों के मन में पीड़ा है, लेकिन कोई इसका असली हकदार है तो वो लाल कृष्ण आडवाणी है। मंदिर के मुद्दे को जन जन के मन में स्थापित करने के लिए रथ यात्रा आडवाणी ने निकाली। उसी रथ यात्रा में आडवाणी ने इन्हें अपने साथ शामिल किया। उस आडवाणी के व्यक्तित्व के नेतृत्व में अपनी यात्रा करते हुए ये प्रधानमंत्री पद तक पहुंचे, लेकिन इन्होंने वही किया जो उन्हें नहीं करना था। जो इन्हें रोक सकते थे, टोक सकते थे, उनको हटा दिया गया। अब आडवाणी कहीं नहीं है, नरेंद्र मोदी ही सब कुछ है। अब वो उन्हें पूजन का सौभाग्य मिल रहा है और हमारी सनातनता के आधार पर जिन्हें पूजन का अधिकार मिलता है वो निसंदेह पुण्यात्मा होते हैं, पुण्य के भागी होते हैं। उनके सत्कर्मों का परिणाम है कि वो राम मंदिर की स्थापना करेंगे और राम मंदिर की स्थापना करेंगे, वहाँ की नींव रखेंगे तो वो चिरकाल तक जीवित रहेंगे, अमरत्व को प्राप्त करेंगे और श्री राम भगवान की सेवा करने वाले को ये सब मिल ही जाता है। उन्होंने मन वचन और कर्म की एकाग्रता के साथ भगवान राम के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन किया है, जिसका परिणाम है कि उन्हें दक्षिणा के स्वरूप ये चिरकाल तक मिलने वाला सुयश प्रदान किया जा रहा है। इसी बात को, इसी सुयश को लेकर के बहुत सारे लोगों के मन में पीड़ा है। असली अगर कोई इसका हकदार है तो वो लाल कृष्ण आडवाणी। श्री राम मंदिर के मुद्दे को जन जन के मन में स्थापित करने के लिए रथ यात्रा निकाल करके और इन्हें अपना संरक्षक बना करके ले चलने वाला अगर कोई व्यक्तित्व था, वो व्यक्तित्व लाल कृष्ण आडवाणी का व्यक्तित्व था। उस लाल कृष्ण आडवाणी के व्यक्तित्व के नेतृत्व में अपनी यात्रा करते हुए ये प्रधानमंत्री पद तक पहुंचे।